chicken, down. ये डिफरेंट ट्रेनिंग वीडियो स्ट्रिप है, इसमें डॉग ने अपने आपको रोल करके दिखाया। आई ट्राई कि आप सब लोग इसको देख सकें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ट्रेनर को कि काइंडली वहाँ एक दफ़ा वहाँ भी लिखें इसको। अब इसको एक दफ़ा, ये वॉक है, अब इसको सिट करके दिखाएंगे। सिट की कमांड, सिट पे ये बैठ गया। अब इसको शेक हैंड, ये शेक हैंड जी, रोल करवाया इसको। काइंडली क्लैप कीजिए, सच अ लवली डॉग। और ये देखें कितना अच्छा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, कितना अच्छा इसको ट्रेन किया गया है। हर डॉग ऑनर को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने डॉग्स को अपने साथ अटैच, एक उसकी सोशल बॉन्डिंग और अपने साथ जो अटैचमेंट है वो डेवलप करे। अब ये विदाउट लीश जो है अपने ऑनर के साथ वॉक करके दिखा रहा है, और ये सिट हो गया और स्टे। अब ये स्टे पे यहाँ रुकेगा, अब जब इसको कॉल की जाएगी तो ये जाएगा। कंग्रेचुलेशन जी, यहाँ पे भी ले जाए प्लीज, थोड़ा इस्तेमाल भी कैम पे डेमो दे देता हूँ। सिट की कमांड देंगे, ये बैठेगा जी, डाउन रोल। इसको अपने पास कॉल कीजिए, दूर जाके थोड़ा सा। डिक्लेयर कीजिएगा जी, बड़ा अच्छा डेमोंस्ट्रेशन भी। दिस इज अ पूडल, अ टॉय ब्रीड। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जो इंटेलिजेंट टॉप 10 डॉग्स हैं, पूडल उनमें नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 इज बॉर्डर कोली, नंबर 2 इज द पूडल, नंबर 3 इज द जर्मन शेपर्ड डॉग। इंटेलिजेंट जो पूरी दुनिया में शोज, बाइट वर्क, आईपीओस और जितने भी ट्रेनिंग होते हैं हर्डिंग के कॉम्पिटिशन, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी जजेस उसके अपने डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद ये एक कलेक्शन की जाती है और ग्रेड किया जाता है कि टॉप 3 डॉग्स, टॉप 10 डॉग्स कौन से। उसमें बॉर्डर कोली जो है ये बेसिकली प्योरली हर्डिंग डॉग है, ये नंबर 1 है। और ये पूडल जिसमें भी आपको अपना ट्रेनिंग का डेमोंस्ट्रेशन दी, ये नंबर 2 है। जर्मन शेपर्ड इज नंबर 3। अब जो है वो मिस्टर जाहिद जो है, ये हस्की ब्रीड है जो बेसिकली स्लेंट डॉग, नोन फॉर इट्स स्टेमिना। और ये अब्दुल आप उधर उधर बैठ जाओ, फेमस है क्योंकि इसके ऊपर मूवीज बड़ी। इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ आप, इसके से बड़ा फेमस। और अब ये मिस्टर जाहिद जो है आपको डेमो करके दिखाएंगे इसकी ट्रेनिंग का। जो ये वॉक अपने ऑनर के साथ वॉक कर रहे हैं, हैंडलर के साथ। क्लैप कीजिए जी काइंडली इनको इंकरेज करने के लिए। सिट पे इसको कमांड दिए, सेट कर दिया। अब इसको हम डाउन, ये देखें जी ये डाउन। और अब ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है लीश वाला, ये सिर्फ अपने कॉलर और हैंडलर की कमांड पे अपने आप को ये एक्ट करेगा जी। ये बेसिकली ये एक बेसिक ट्रेनिंग है जो तमाम डॉग ऑनर्स को अपने डॉग्स को इन 5 बेसिक कमांड्स को ट्रेन करना चाहिए। इसमें सिट, स्टैंड, स्टे, बी, कम। देखिए ये बिल्कुल सिट पे इसने अपनी फ्रंट जो लेग्स हैं उसको रेज किया, और ये क्लैप कीजिएगा कि देखिए ये सिट, और उसके बाद इसने अपनी फ्रंट लेग रेज करके और ये बड़े कॉन्फिडेंस में अब्दुल कैमरा निकाल बस स्टैंड है। जिसे हम ट्रेनिंग लेवल कहेंगे, सुपर ट्रेनिंग लेवल है ये। नॉर्मली ये चीज़ें आपको टीवी पे, नेट पे देखने को मिलती है कि फॉरनर जो है वो इस तरह आप डेमोंस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, और हमारे यहाँ ये ट्रेंड बड़ा कम है। लेकिन ये आप इनको देखिए कि ये डॉग्स किस लेवल पर ट्रेन। इधर ही रुकना,
और ये स्पीक की कमांड देंगे तो ये बात करेगा जी, देखिए जरा। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। देखिए जी रोल कर रहा है ये, रोल 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 रोल, कम ऑन। वेरी वेल डन जाहिद, वेरी वेल डन। अब हम आपको जर्मन शेफर्ड का प्रोटेक्शन वर्क दिखाएंगे। ये तो आपने पूडल और हस्की को देखा। जर्मन शेफर्ड इज अ वेरी पॉपुलर ब्रीड इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये अभी जर्मन शेफर्ड का बेसिकली आपको प्रोटेक्शन वर्क दिखाने का मकसद ये है कि लोगों में जो कॉन्सेप्ट हैं कि डॉग्स जो हैं वो एग्रेसिव होते हैं, उनसे डरते हैं, बेसिकली ये मालिक की कमांड पे ये अटैक करेगा और उसकी कमांड पे छोड़ेगा। और जितने भी डॉग्स जो घर में हैं या अपनी डोमेन और टेरिटरी को मार्क करते हैं और वहाँ पे इनका काम है प्रोटेक्शन, और बाय नेचर इनको बिल्ड ही इसलिए ब्रीड को डेवलप किया गया। देयर इंटेलिजेंट क्विक और ये रिस्पॉन्ड, और इनमें एक बड़ा लर्निंग सेंस है, और दैट्स वाई ये जो पेडिग्री लाइंस हैं इनको डेवलप किया जाता है। ये मैन मेड ब्रीड्स हैं। तो अभी जर्मन शेफर्ड जो है वो रिंग में आपको दिखाएगा कि उसने कैसे बाइट वर्क करेगा, कमांड पे उसको छोड़ेगा। जर्मन शेफर्ड जो है जिसका नाम एडमिरल है वो आपको यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन दिखाएंगे ऑफ बाइट वर्क। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हैं जमाल भाई? आज आप शो करवा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतना कामयाब शो करवाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमें हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपका ये नंबर कहां तक पहुंच गया, कितने का आपने डॉग शो कर दिए हैं और कितने होने हैं अभी जो अब ये मैं मुश्ताक भाई के एंटर करूँ तो इसमें ये 127 नंबर हम इनको दे रहे हैं, मतलब ये 127 डॉग है ये हमारे पास इस शो का। 127वां कुत्ता जी इस शो का। ये जी 127 कुत्ते हो गए हैं और अभी समझ लें कि शो अभी मिड में पहुंचा है। काफ़ी ज़्यादा डॉग अभी लाइन अप हैं और काफ़ी अच्छा शो ऑर्गेनाइज करवाया इन्होंने, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी काफ़ी अच्छे शोज आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेन हुए हुए कुत्ते हैं वो दिखाए हैं अभी आपको, और कुछ आपको अभी बाहर से जो है और डॉग्स दिखाते हैं और उनकी ब्रीड्स के बारे में आपको मालूमात लेके तो बताते हैं कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। और ये कनोपीस लगाई गई है और ये इसमें अपने हैंडलर की कमांड पे सर्च करेगा कि कहाँ पे वाइट वर्क जिस बंदे को उसने कमांड पे पकड़ना है, और फिर हैंडलर की कमांड पे ये उसको छोड़ेगा। क्लैप कीजिए जी जर्मन शेफर्ड्स के लिए। ग्रैब कीजिए जी, देखिए इसने कमांड पे डॉग ने इसको ग्रिप किया, अब अपने हैंडल की कमांड पे छोड़ेगा। दिस इज कंट्रोल कि वो हैंडलर जो है वो उसको कमांड दे रहा है कि सिट, और वो उसके साथ बैठ के बात कर रहा है कि ये शेडी बंदा है, इसको डॉक्टर है इसको, और ये अपने मालिक को प्रोटेक्ट करते हुए ये बात कर रहा है इसके ऊपर। अभी ये दोबारा जब मूव करेगा तो फिर ये बाइट कर लेगा। क्लैप कीजिए जी। ये लॉन्ग उस पर लॉन्ग लेंथ के ऊपर ये ग्रिप करके दिखाएगा जो ये देखिए जी, जब तक कमांड नहीं मिलेगी ये बाइट नहीं छोड़ेगा। क्लैप कीजिए जी, सुपर लेवल ऑफ ट्रेनिंग।
और स्टॉक को अरेंज करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि लोगों को सीखने को मिले कि उन्होंने डॉग्स को कैसे रखना है, उनको क्या उसमें डेफिशिएंसीज हैं, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, ब्रीड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं डॉग्स के, उनके बारे में उनको बताया जाए। क्लैप कीजिए। उसने मूव किया, इसने फिर उसको बाइट कर लिया और जब तक इसका हैंडलर इसको कमांड नहीं देगा ये नहीं छोड़ेगा। वेरी नाइस। ये देखिए जी, डाउन की कमांड पे वो डाउन और फिर रिलैक्स हो गया। अगर अभी इसका हैंडलर फिर इसको कमांड दे और ये बंदा मूव करे तो ये फिर अटैक करेगा जी। क्लैप कीजिएगा जिसको। सुपर्ब लेवल ऑफ ट्रेनिंग। तो बेसिकली एक लार्ज ब्रीड, एक डॉग, जर्मन शेपर्ड का जो प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो अपने मालिक की कमांड पे या अपनी फैमिली को या जो मेंबर्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक करेगा, अदरवाइज वो सच अ कूल एंड काम डॉग जो। शायद इसको थोड़ा सा वॉक करवा के दिखाएं ताकि लोगों को पता चले कि इसका एग्रेशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल डॉग है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए अटैक करेगा। बोल दे दे अब ये इसकी ओबीडियंस की ट्रेनिंग है कि सिट एंड स्टे पे ये यहीं पे जहाँ पे इसको रोका गया वहीं पे ये बैठ गया। अब इसका हैंडलर जो है वो आपको डिफरेंट इसकी जो ट्रेनिंग लेवल है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। प्लीज़ क्लैप कीजिएगा जी फॉर एनकरेजमेंट। ये देखिए जी, ये सिर्फ कॉल पे स्टैक हुआ। स्टैकिंग जो है ये डिफरेंट डॉग्स की डिफरेंट स्टाइल में टैकिंग की जाती है स्टैक, और स्टैक का मकसद सिर्फ होता है कि जो डॉग है वो अपनी एनाटॉमी को एक बड़े अच्छे तरीके से शो ऑफ करता है। अब इसकी फ्रंट लेग्स जो है वो विदर के नीचे है और जो इसकी हाइंड्स हैं वो एक हिप बोन के नीचे, सेकेंड जो है वो अपनी एनाटॉमी और लेंथ जो है हाइंड्स जो है उसका एंगुलेशन एंड प्रोपोर्शन सारे इसमें बड़े शो होते हैं। अब इसको स्टे की कमांड दी गई है, यहाँ पे स्टे करके खड़ा रहेगा जब तक हैंडलर इसको कॉल नहीं करेगा, और ये स्टैक में पोजीशन में इसने यहाँ पे अपना को कंट्रोल किया हुआ। एक्सीलेंट। प्लीज क्लैप कीजिएगा जी, लवली एनकरेजमेंट जी। अब ये ऑफ लीश जो है जी, ये आपको रिंग का एक राउंड लगा के दिखाएगा विदाउट, नॉर्मली हम डॉग्स को लीश के साथ लेके जाते हैं बट ये ट्रेनिंग लेवल है कि इसको ऑफ लीश जो है ये अब रिंग में देखे ये ट्रॉट कर रहा है ऑफ लीश, जिसका मैक्सिमम ग्राउंड कवरिंग इज मिनिमम स्टेप्स। ये देखिए जी, प्लीज क्लैप कीजिए जी। ये देखिए इसके मूवमेंट, अपने हैंडल के साथ विदाउट लीश जो है ये ट्रॉट कर रहा है जिसको फास्ट ट्रॉट कहते हैं, और ये इसको रिवॉर्डिंग ट्रेनिंग है, इसको बॉल दी जाती है फिर चलते हैं। वेरी वेल डन जी, सुपर डेमोंस्ट्रेशन जी, राउंड ऑफ अप्लॉज, क्लैप कैपिंग दीजिएगा प्लीज सबके लिए। आई होप कि आप इससे इंस्पायर होंगे, अपने डॉग्स को जो है वो भी इस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करेंगे और आप अपने डॉग की पिक और शो को बेहतर तरीके से एंजॉय करेंगे। जो आप पेट बोल, जिनके पास पेट बोल is that
इनका नाम जाना पहचाना है ट्रेनिंग के हवाले से, हम आपको खुश आमदीद भी कहते हैं। और मिस्टर साकिब इस्लाम राणा जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं, इन स्पेशल अवार्ड से नवाज रहे हैं बेस्ट हैंडलर के, क्लैप कर दीजिएगा प्लीज। तो इसमें दो मेन पिटबुल रिंग के अंदर है, एक ओपन कास्ट है, मतलब ओपन कास्ट में जो होती है जो मोर देन टू ईयर जब एज होती है डॉग की, तो उसको ओपन कास्ट में कंसिडर करते हैं। बेसिकली डिफरेंट क्लासेस हैं, पपी क्लास, जूनियर, उसके बाद आपस में जुड़े रहे। पहले पाँच नीचे लेते हैं, उसके बाद में आप इसलिए पाँच नीचे रखें। इस टाइम रिंग के अंदर अलग आए ब्रीड है, उसकी एज है 3.5 ईयर, तो ये ओपन क्लास का अलग आए है। एक राउंड आप और लगाएंगे, अलाबाई ब्रीड इस टाइम जो है रिंग के अंदर वॉक कर रही है, बहुत अच्छा वेल ट्रेन और वेल हैंड हैंडलर की इधर के लिए क्लैप किया जाएगी, बहुत अच्छी हैंडलिंग करा रहे हैं। ये डॉग ब्रीड में जो है सबसे लार्ज ब्रीड कंसिडर की जाती है अलाबाई, काइंडिंग के लिए अप्रिसिएशन क्लैपिंग की जाती है। कटक नंबर 207 अलाबाई, इट्स अ सेंट्रल एशियन शेपर्ड डॉग, ये बेसिकली प्रोटेक्शन और हर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स अ वेरी जेंटल और बड़ा एट द सेम टाइम अपने प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एनर्जेटिक एंड एग्रेसिव है, और ट्रेनिंग लेवल इसका बड़ा, आप देखिए कि इसको कितने अच्छे तरीके से हैंडलर ने स्टैक किया हुआ है और किस तरह इसको मूव करके दिखाया। और मज़र जो है ऑल्सो, जो हमने जिसको पहले कहा कि हमारे पास एक बड़े अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर्स आए हैं, तो मज़र इज़ वन ऑफ दैम, और इसके लिए क्लैप कीजिए, कंग्रेचुलेशन के इसने इतने बड़े एक डॉग को इतना अच्छे तरीके से मैनेज किया और किस तरह इसको शो करवाया। पेशेवर इसकी एज कितनी है? 21 मंथ है। बारे में बताएं, हाँ इसकी एज बताएं, और 20 मंथ मंथ एज है इसकी, फीमेल है, लारा नाम है इसका। फेल गई है अभी? नहीं नहीं, अभी इसका ना अनाउंसमेंट होनी है लैब्राडोर की, ना फीमेल की। ओके।
ये ग्रेट डेन देखें जी। हर्ली क्वीन और ब्लैक कलर का ग्रेट डेन है, खूबसूरत। टू टू जीरो इधर आ जाएं, यहाँ आए, यहाँ आके स्टैक करें, यहाँ आके स्टैक करें ताकि लोग अपना थोड़ा सा डॉग से डिस्टेंस रख ले, मज़र थोड़ा सा दूर हो, डॉग से खड़ा करके दूर हो ऐसे। ये जमाल भाई वाली है? नहीं, ये फौज वाली है। फसल आके स्टैक कर, red and very beautiful breed. Labrador, catalog number 501, last call for Labrador. Catalog number 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 and 508. Last call for Labrador. दो red dog, एक female और एक male. इस time dog ring के अंदर मौजूद है और दोनों जो है वो वॉक कर रहे हैं। जी शो वॉक करवाएंगे जी, अब्दुल ठीक है जी, आप डॉक्टर स्टैक करें अपने स्टैक करवाए जी डॉग को। अभी आपको डॉग स्टैक करके दिखाएंगे जी, दो रेड एंड डॉग इसको स्टैक करके दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू द एसओपीज। ये जी चॉकलेट कलर है, बहुत रेयर कलर है। इसकी स्टैकिंग पोजीशन है ये जी, इसको स्टैक करना थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू दो एसओपीज ग्रेडियंट के ये देखें स्टैक हुए हैं, ये इनकी स्टैकिंग पोजीशन है। आप दोनों ट्रेनर के लिए क्लैपिंग कर दें जी, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है इनकी ट्रेनिंग की भी और इनको मैनेज किया हुआ इनकी ट्रेनिंग को। प्रॉपर यूरोपियन ब्रीड और ये प्रोटेक्शन के लिए बड़ी आइडियल ब्रीड है। और इसमें ये हार्ले क्वीन एंड मर्ले क्वीन जो कलर कॉम्बिनेशन है, वाइट एंड ब्लैक जो कॉम्बिनेशन है, इसको हार्ले क्वीन कहा जाता है। और ये कैटलॉग नंबर 220 जो हैंडलर जिन्होंने इस फीमेल को स्टैक किया हुआ है, ये एक ग्रोन अप फीमेल है और एक परफेक्शन से इसको स्टैक किया गया।
और ये भी एक बड़ी पॉपुलर ब्रीड है पाकिस्तान के अंदर, इट्स अ लार्ज ब्रीड। और उसके बाद जो 210 ये जो डार्क कलर में जो मेल है ये प्रॉपर जो कलर कॉम्बिनेशन जो उसके अंदर आते हैं ब्रीडिंग पर्पस के जो यूज़ किया जाता है, ये डार्क ग्रे कलर का मेल है और 5 years+ एंड सुपर्ब कंडीशन। और हैंडलर जो हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस। और इनको आपने अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट ग्रेड किया, काइंडली क्लैप कीजिएगा हैंडलर्स के लिए फॉर अ सुपर्ब हैंडलिंग। और 220 210 प्लीज़ एक राउंड लगा के स्लो आप दोबारा बोर्ड के सामने आइएगा। रिंग के अंदर से आप5 years old, 9 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 years old, 9
अब्दुल अब्दुल पीछे और ये बड़ा फ्रेंडली डॉग है, इसकी स्निफिंग सेंस बहुत अच्छी है और बड़ा इंटेलिजेंट भी है। ये कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के अंदर आता है कि जो डेपर डॉग जो इंटेलिजेंट लेवल उसके ऊपर ये टॉप टेन के अंदर है। और इस वक्त इस क्लास के अंदर डिफरेंट डॉग जो है वो डिफरेंट एज ग्रुप के जो इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं, जो वॉक करके दिखा रहे हैं। उनका पहले बाइट चेक किया जाएगा ताकि बाइट की डॉग के लिए ग्रोन अप डॉग जो है उसमें 42 टीथ होंगे, उसमें इंसिजर्स कैनाइन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होंगे और इनकी फॉर्मेशन उसको देखा जाता है कि क्या इनकी प्रॉपर सीजर बाइट है, स्पेस तो नहीं है। उनका हेड जो कम्प्लीट सीजर है उसके अकॉर्डिंगली इनको ग्रेड किया जाएगा। जो लैब्राडोर है इसमें बेसिकली तीन
कलर होते हैं येलो ब्लैक एंड चॉकलेट दैट्स इट। इसके अलावा कोई फोर्थ कलर है अगर वो होगा तो जेनेटिकली डिसऑर्डर होगा। ये लैब्राडोर है रिंग में काइंडली क्लैप कीजिएगा सब हैंडलर्स के लिए। Coming.